क्लास के सभी विद्यार्थी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें कई बार कहा है बोर्ड पर समझते वक्त अपनी बुक अपने हैंड में अवश्य रखें। केरा भिन्नों को अंश एवं हर में उनके मासा से भाग देते हुए सर्वोत्तम रूप में लिखिए। तो देखिए दिया है 256, 1444। तो पहले इसका हम निकालेंगे मासा, क्या निकालेंगे, तो ये नंबर यहाँ रखेंगे 256 और ये नंबर यहाँ रखेंगे 1444। तो देखिए 3 डिजिट का नंबर है और 3 डिजिट इसमें यहाँ तक है ये। तो देखिए इन इससे ये नंबर बड़ा है, इसलिए हमको टेबल यहाँ तक पढ़ना होगा, यहाँ तक। अब इसमें हमको 25 का टेबल आता है तो ये 1 डिजिट छूट गया, 1 डिजिट हम इसमें छोड़ देंगे, ये 1 डिजिट छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 144। 25 का टेबल 144 में पढ़ना है, 25 में ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम 5 बार पढ़ेंगे, 5 6 30 बचे 3 5 5 25 3 28 बचे 2 5 2 10 2 12। अब इसको माइनस कर देंगे 4, यहाँ से 14 14 में बच गए 6, 3 में 2 गया 1, यहाँ बचेगा कुछ नहीं। अब ये नंबर यहाँ रखेंगे 256, 16 का टेबल 25 में, 16 1 16 16 2 30 से ज्यादा हो जाएगा इसलिए 1 बार पढ़ेंगे, 164 माइनस कर देंगे, 6 में 4 गेट 2, यहाँ से 10 लेंगे 15 15 में 6 गेट 9। अब इसको मोड़ दे, फिर ये नंबर उठा के यहाँ रखेंगे 164, ये भी वही बार जाएगा, 9 1 9 9 2 10 ज्यादा हो जाएगा 92, माइनस कर देंगे 4 में से 2 गए 2 16 में 9 गए 7। अब इसको मोड़ देंगे, ये 92 यहाँ रख लेंगे 92, फिर वही बार जाएगा 72, माइनस कर देंगे 2 में से 2 गया 0 9 में 7 गए 2। अब 72 यहाँ रखेंगे, 21 जा 20 22 जा 40 23 जा 60 24 जा 60 ज्यादा हो जाएगा 23 जा 60, यहाँ 2 बचेगा 7 में 6 गए 1। अब 20 यहाँ रखेंगे, 12 1 जा 12, अब 10 10 में 8 गए 10 में 2 गए 8, अब 12 यहाँ रखेंगे, 8 1 जा 8, 12 में से 8 गए 4,
एट उठाकर यहां रखेंगे, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट। तो देख रहे हो मास, ये इसको लगाते वक्त ये मत करना हम सीधे सीधे ऐसे करने कोशिश करोगे तो डिजिट के नीचे डिजिट नहीं होगा। आप देखिए मासा कितना आ गया, मासा आ गया फोर। ये समझ में आया? अब कह रहा है मासा से भाग देते हुए, अब मासा से इसको भाग देना है। यहां निकलेंगे फोर और यहां रखेंगे 256, इसको भाग दे देंगे। अब मासा नहीं निकाले, भाग दे रहे हैं, फोर सिक्स 24, ये आ गया वन, उतारेंगे सिक्स, फोर फोर जा 16, लग गया ऊपर ये 64 आ जाएगा, ये आ गया 64। अब इसको फोर से भाग कर देंगे, 1444, फोर से भाग करेंगे, 4 3 12, यहाँ 2 बचेगा, उतारेंगे 4, 4 6 24, अब उतारेंगे 4, 4 1 4, कट गया है, नीचे आ जाएगा इसके 361। बस ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड है, 286 अपॉन 468, तो यहां रखेंगे 286 468, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 4, 2 बार में अधिक हो जाएगा इसलिए 1 ही बार पढ़ेंगे। हमने बताया संख्या के नीचे संख्या रखना है, तो 1 6 6, 1 8 8, 1 2 2, घटा देंगे, इसमें 6 2, यहां से 3 लेंगे, 16 में से 8, 3 में से 2 1, ये नंबर उठा के यहां रखेंगे 286, ये भी 1 ही बार जाएगा, 182 माइनस कर देंगे, 6 में 2 4, 8 में 8 गया 0, 2 में से 1 1, 182, 10 1 10, 10 2 20, 2 बार में ज्यादा आ जाएगा तो 1 ही बार जाएगा, 104 माइनस कर देंगे, यहां से 10 लेंगे 12, 12 में 4 8, यहां बचेगा 7, यहां कुछ नहीं। अब यहां रखेंगे 104, 1 ही बार जाएगा 78, घटा देंगे
यहाँ से टेस्ट लेंगे, 14 में एट गए 6, 9 में 7, 9 में 7 गए 2, 78, 2 3 जा 6, 3 बार चला जाएगा, 3 6 जा 18, बचे 1, 3 2 जा 6, 1 7, तो मासा आ गया, मासा पा बराबर 26। अब इसको 26 से भाग देना है, याद रखेंगे 286 और इस 26 से भाग देना है, 26 बन जाए 26, एक में 6 गए 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब ये 6 उतार के यहाँ रख लेंगे, 26 बन गया 26, तो ऊपर आ गया लेवल अपान 468, 26 468, ये वही बार जाएगा, 26 बन जाए 26, 26 टू जा 52 ज्यादा हो जाएगा, 26 बन जाए 26, 04 में 2 गए 2, उतारेंगे 8, 2 9 जा 18, 8 बार 9 बार में ज्यादा हो जाएगा 8 बार जाएगा, 8 6 जा 48, बचे 4, 8 2 जा 16, 4 20, तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 18, बस हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 3 यहाँ पे बता रहे हैं, दिया है 6633। चलो बिगाड़ दिए, नहीं बताएंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है 6633 अपॉन 15,075, तो यहाँ रखेंगे 6633, 15,075। तो देखिए 6 का टेबल आता है और ये 3 अंक छूटे, 1 2 3, 15 बचेगा, 6 बन जा 6, 6 जा 12, 6 जा 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, बचे 1, 2 6 जा 12, 1 13, घटा देंगे 15 में 6 गए 9, 6 में 6 गया 0, यहाँ से 10 सुनेंगे 10 में 8 गए, 10 में 2 गए 8, 4 में 3 गए 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ रखेंगे 6633। अब 18 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 2 डिजिट ये छोड़ देंगे, 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 ज्यादा हो जाएगा, 18 3 जा 54,
थ्री नाइन जाए 27 में से 2, 3 सिक्वेंस पर 2 यहाँ आ जाएगा, 3 एट जाए 24 बचे 2, 3 वन जाए 3 2 5 हटा देंगे। यहाँ से टेंस लिया 13, 13 में 7 के 6, 2 में 2 गया 0, 6 में 4 के 2, 6 में 5 के 1। अब यहाँ रखेंगे 1809। आप 12 बन जाए 12 वन ही बार जाएगा 1206। 9 में 6 के 3, 0, 8 में 2 के 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब ये रखेंगे 1206। 6 2 जा 12 2 बार चला जाएगा, 2 3 जा 6, 0 2 6 जा 12। तो मासा आ गया, मासा पा बराबर 603, ये मासा आ गया। अब इससे इसको भाग दे देंगे, यहाँ बचेंगे 603 और ये नंबर ऊपर 6633, यहाँ पर टेबल पड़ेंगे वही बार जाएगा 603 060। अब उतार लेंगे 3, बराबर नंबर है, वन बार चला जाएगा 000, तो ऊपर आ जाएगा 11। अब नीचे 603 और डिवाइड कर देंगे 15,075। यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे 6 1 6, 6 2 12, 2 बार चला जाएगा, 2 3 6, 2 0 0, 2 6 12, हटा देंगे 1 0, 5 2 3, उतारेंगे 5। 6 का टेबल 30 में 6 5 30, 5 बार चला जाएगा 5, इसकी मल्टीप्लाई करके भैया यहाँ पे रखेंगे 5 3 15 के 5 1, 5 1 यहाँ आ जाएगा 5 6 30, तो क्या आ गया 25। नीचे इसके आ जाएगा 25। उसके बाद इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है, चलो वो भी हम करके दिखा रहे हैं। दिया है 410, तो देखिए यहाँ रखेंगे 410
1260, 4 3 12, 3 बार चला जाएगा, 3 सिफर सिफर, 3 1 3, 3 4 12, घटा देंगे 0 6 में 3 के 3, 0 0, 410, इतने में टेबल पड़ेंगे 30 1 30, 1 4 में 3 के 1, अभी इसको ऐसे नहीं मोड़ेंगे क्योंकि ऊपर 0 है, अब 3 बार जाएगा, 3 3 जाएगा, 3 4 12 ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार, 3 सिफर सिफर, 3 3 9, घटा देंगे 0 11 में 9 के 2, आप 30 यहाँ रखेंगे, 21 20, 0 1, आप 20 यहाँ रखेंगे, 10 2 20, तो मासा आ गया, मासा पा बराबर 10, और 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 410 और 10 से डिवाइड करेंगे, 10 4 40, 1 बचेगा, उतारेंगे 0, 10 1 10, तो ऊपर आ जाएगा 41, नीचे 10 1260, 10 1 10, यहाँ 2 बचेगा, उतारेंगे 6, 10 1 10, 10 2 20, यहाँ 6 बचेगा, उतार लेंगे 0, 10 6 60, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या आएगा, 126, बस हो गया। इसी प्रकार से सभी बच्चे क्वेश्चन करके दिखाएं।